प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, आपका स्वागत है एमएस एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 के गणित विषय के अंदर आपकी जो प्रश्नावली नंबर 7 जो है वो है वैदिक गणित। तो हम चर्चा करेंगे आज वैदिक गणित पर। उससे पहले अपने देख लेते हैं, क्योंकि आपने जैसे कक्षा 3, 4, 5 के अंदर वैदिक गणित के अंदर आपने कुछ सीखा भी है, तो हम कुछ उसका पूर्वाभ्यास कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कुछ नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको परिचित किया, आपने पिछली कक्षाओं में देख भी लिया है, एक बार उनका थोड़ा दोहरान कर लेते हैं, क्योंकि इसी से संबंधित है वो अपनी टॉपिक का वो चलेगा। तो जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है एकाधिकेन, दूसरा मैंने लिखा है एकाधिकेन पूर्वेण, एक यूनेन और एक यूनेन पूर्वेण। इन नामों से आप पहले से परिचित हो, थोड़ा सा इनके बारे में और पीछे कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला नाम है एकाधिकेन, तो इस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अपने को करना क्या है। एकाधिकेन यानी एक अधिक, एकाधिकेन एक अधिक। जब हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग करेंगे एकाधिकेन को, तो क्या आएगा एक अधिक। तो एकाधिकेन का मतलब हो गया एक अधिक। जैसे हम एक सवाल ले लेते हैं कि मान लो आपके पास कोई संख्या दी है 6, और आपको कहा गया कि 6 का एकाधिकेन करो, अंक 6 का एकाधिकेन करो। तो 6 का एकाधिकेन आप कैसे करोगे कि आप अंक 6 को लोगे और इसके ऊपर एकाधिक का एक चिन्ह निशान लगाओगे, एक बिल्कुल छोटा सा इसके नजदीक बिंदु लगाना है जो क्या दिखाएगा कि 6 का एकाधिक। तो 6 का एकाधिक कितना होगा, 6 का एकाधिक हो गया 7, तो अपना उत्तर आ जाएगा 7। इसी तरह से आपके पास कोई संख्या दी, जैसे मान लो 235, इसमें कह दिया कि 235 का एकाधिकेन करें, 235 का एकाधिकेन करें। यहां पे हमने कोई भी अंक नहीं दिया है कि पर्टिकुलर किस अंक का करना है, सीधा लिखा है कि 235 का एकाधिकेन करें। तो यदि ये लिखा हुआ हो तो अपने को क्या करना है, 235 जो संख्या है उसमें इकाई के अंक का एकाधिक करना है। इकाई का अंक क्या है, 5 है, और उसके ऊपर अपने निशान लगा देंगे एकाधिक का, और इस एकाधिक यानी 5 का एकाधिक कितना हो जाएगा 6, और अपने पास बाकी संख्या सेम रहेगी 236। तो 235 का एकाधिक कितना हो जाएगा 236। लेकिन इसी संख्या में यदि ये कहें कि संख्या 235 में अंक 3 का एकाधिकेन करें, संख्या 235 में अंक 3 का एकाधिकेन करें, तो हमें क्या करना है, क्योंकि यहां पे हमें एक पर्टिकुलर अंक दिया है कि अंक 3 का करना है, तो हम क्या करेंगे अंक 3 के ऊपर एकाधिक का निशान लगाएंगे और उस 3 का एकाधिक करना है। जैसे 3 का एकाधिक कितना हो गया 4, 2 का कुछ नहीं करना है तो अपने पास ये आ जाएगा 2, 3 का एकाधिक 4 और 245, अपने पास उत्तर क्या है 245। देखो संख्या वही है, सीधा लिखा 235 का एकाधिक कीजिए, उत्तर आया 236। संख्या 235 में अंक 3 का एकाधिकेन करें, तो उत्तर आया अपने पास 245। इसी प्रकार इसके अंदर ये दे दे कि 235 जो संख्या है उसमें अंक 2 का एकाधिकेन करें, तो अपने को इसमें पर्टिकुलर किया है 2 का एकाधिकेन, तो अपने संख्या लिखेंगे 235 और उसके ऊपर जो 2 है उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे और अपने पास संख्या आ जाएगी, तो 2 का एकाधिक हो गया 3, आगे संख्या है 3, 5 यानी 335, तो अपना उत्तर क्या आया 335।
देखो संख्या तीनों ही है, लेकिन इन दोनों के अंदर हमने एक पर्टिकुलर अंक लगाया है, उसी का हमें एकाधिकेय ने किया है। तो ये तो हो गया एकाधिकेय जो था एक अधिक। अब बात करते हैं एक न्यूनेट, एक न्यूनेट इसके नाम से है, न्यून का मतलब होता है कम, तो एक कम, एक न्यूनेट का मतलब हो गया एक कम, ठीक है। वही संख्या ले लेते हैं हमने भी, छह का एक न्यूनेट करो तो अंक छह का एक न्यूनेट करो, तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, एकाधिकेय में हमने ऊपर एक एकाधिक का निशान लगाया था, जबकि एक न्यूनेट में हम इसके नीचे एक बिल्कुल पास एक बिंदु लगा देंगे और ये क्या हो गया छह का एक न्यूनेट, एक न्यूनेट का निशान होगा ये, तो छह का एक न्यूनेट यानी एक कम, और छह का एक कम कितना हो जाएगा पांच, तो अपना उत्तर कितना जाएगा पांच, तो छह का एक न्यूनेट पांच हो गया। इसी तरह से इसके अंदर अपने जैसे पिछली जो संख्या ली थी उसी संख्या पे अपने एक न्यूनेट कर लेते हैं 235, तो 235 का एक न्यूनेट करें तो अपने को वही बात आ गई, इसमें कोई पर्टिकुलर अंक नहीं बताया है, खाली केवल संख्या लिखी है कि 235 का करें, तो अपने को क्या करना है, जो 235 जो है उसमें जो इकाई का अंक है उसका एक न्यूनेट करेंगे, और इकाई का अंक अपने पास क्या है पांच है, और पांच का हमने एक न्यूनेट किया, तो पांच का एक न्यूनेट निशान लगा दिया, तो पांच का एक न्यूनेट हो गया चार, तो उत्तर कितना आ जाएगा 234, तो ये तो वही रहेंगे दो तीन और पांच का एक न्यूनेट कर दिया चार, तो 234। अब इसी सवाल के अंदर कोई आगे कोई पर्टिकुलर अंक दे दिया जाए तो क्या करते हैं, जैसे संख्या 235 में अंक तीन का एक न्यूनेट करें, अपने को यहां दिया है अंक तीन का एक न्यूनेट करें, तो अपने को एक न्यूनेट का जो निशान है वो कहां पे लगाएंगे, अपने अंक तीन के नीचे लगाएंगे, अंक तीन के नीचे लगा दिया, अब इसका उत्तर क्या आएगा, एक दिन का एक यूनिट कितना हो गया, यानी दिन का एक कम दो, पहले से अपने पास एक अंक दो है, तीन का एक यूनिट दो गया और पांच, तो उत्तर आया 225। अब इसी की तीसरी रिलेशन नोट कर लेते हैं कि संख्या जो 235 है में अंक दो का एक यूनिट कर ले, एक यूनिट करें तो क्या आता है अंक दो का, तो वही बात है अपने को संख्या लिखी और जो अंक दो है उसके नीचे एक यूनिट का निशान लगा दिया, और दो का एक यूनिट करेंगे तो आएगा एक, दो का एक कम एक, और बाकी संख्या एज इट इज, तो उत्तर आएगा 135। तो ये था एकाधिकेय एक यूनिट। अब इससे जुड़ता ही टॉपिक है एकाधिकेय पूर्वेण, नाम वही है एकाधिकेय, इसमें भी एकाधिकेय, तो इसका मतलब तो ये हो गया एक अधिक करना है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ गया पूर्वेण, पूर्वेण का मतलब है पहले, तो ये अधिक तो करना है लेकिन पहले का एक अधिक करना है, यानी जो संख्या दी है उससे पहले जो अंक है उसका हमें एक अधिक करना है, तब ये क्या हो जाएगा एकाधिकेय पूर्वेण। जैसे अपनी बात करें, मान लीजिए आपके पास दे दिया संख्या आठ का एकाधिकेय पूर्वेण करें, एकाधिकेय पूर्वेण करें, यहां पे अपने पास अंक आठ दिया गया है तो हम आठ लिख लेते हैं, लेकिन हमें एक अधिक किसका करना है पूर्वेण का यानी पहले का, तो क्या आठ से पहले कोई अंक है, नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इससे पहले क्या है शून्य है, जीरो है, तो
इस जीरो का एकाधिक करेंगे, क्योंकि पहले का एकाधिकन करना है। तो आठ से पहले क्या है पास कुछ नहीं था, तो हमने कुछ नहीं था क्या मान लिया, जीरो मान ली। अब इस जीरो का एक अधिक का निशान लगा देंगे, क्योंकि तो पहले के एक अधिक करना था, तो पहले जीरो थी और जीरो का एक अधिक का निशान लगा दिया, और जीरो का एक अधिक होता है एक, तो इसका उत्तर आएगा एक आठ यानी अठारह। ठीक है, इसी तरह से अपने पास कोई तीन अंकी दो अंकी कोई भी संख्या दे दे, जैसे 146 में अंक 6 का एकाधिकेन पूर्णन करो, अंक 6 का एकाधिकेन पूर्णन करें, तो अपने लिए संख्या लिखी 146। अपने को कहा है अंक 6 का एकाधिकेन पूर्णन, तो अपने को तो एक अधिक करना है, लेकिन अंक दे दिया 6, लेकिन है क्या ये पूर्वेण, तो 6 से पहले यानी 6 से पहले क्या है 4, तो इसका एकाधिक करेंगे, तो कितना आ जाएगा, हमने 6 से पहले के ऊपर एकाधिक निशान लगा लेना है, और उसके बाद अब देखो इसको हल करेंगे, तो ये तो गया 1 और 4 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है, तो 4 का एकाधिक हो गया 5 और अब आया 6, तो अपना उत्तर आ गया 156, यानी 6 से जो अक्षय दिया हुआ है उससे पहले संख्या का एक अधिक करना है। इसी तरह से इसके अंदर अपने को दे दें 146 में अंक 4 का एकाधिकेन पूर्णन करें, अंक 4 का, तो 4 से पहले का क्योंकि एकाधिकेन पूर्णन है, तो 146 के अंदर अंक 4 से जो पहले है उसके ऊपर एकाधिक का निशान है लगा देंगे, और एकाधिक यानी एक के ऊपर लगा, एक का एकाधिक हो गया 2, 4, 6 यानी 246। इसी तरह से इसके अंदर एक ये भी आ सकता है 146 में अंक 1 का एकाधिकेन पूर्णन करें, एकाधिकेन पूर्णन करें अंक 1 का, तो यहां देखो 146 लिखा, अपने को अंक 1 का करना है, तो अंक 1 से पहले का एकाधिक करेंगे, लेकिन यहां पे कोई बात आ गई अंक 1 से पहले कोई अंक है नहीं, तो अपने को क्या करना है, यहां पे 1 अपने को 0 मान लेना है, और उसके ऊपर एकाधिक का निशान लगा लेंगे, तो 0 मान लिया, एकाधिक का निशान लगा लिया, अब क्या हो गया, तो जो 146 में अंक 1 का जो एकाधिक पूर्ण है इसका एक अधिक करेंगे, तो जीरो का एक अधिक हो गया 1, आगे संख्या वही रह जाएगी 1, तो ये उत्तर हो जाएगा 1146। तो 146 में अंक 1 का एकाधिक में पूर्णन है। ठीक है, बात समझ में आ गई, एकाधिक एक अधिक एक न्यूनतम एक कम, इसके साथ ही दोनों जो टॉपिक है एकाधिक पूर्णन, तो पूर्वेण का मतलब होता है पहले, यानी पहले का एक अधिक करना है। इसी तरह से इससे संबंधित एक टॉपिक और है एक न्यूनेन पूर्वेण, तो एक न्यूनेन पूर्वेण वही बात है, एक न्यूनेन मींस एक कम, पूर्वेण मीन पहले का, एक कम वो भी किसका पहले से का एक कम, जैसे 8 का एकाधिक पूर्वेण करो, तो इसमें एक अंक की अपनी संख्या आती है, तो एक स्वाभाविक सी बात है अपने को सोचने की है कि मान लो 8 का है, तो 8 से पहले का करना है क्योंकि पूर्वेण का करना है एक कम, तो 8 से पहले का कुछ नहीं है तो 0 है, और 0 से भी एक कम करेंगे तो 0 से भी एक कम क्या होगा, फिर तो माइनस की संख्या आ जाएगी, तो यहां क्या होगा कि दो अंक की या कोई तीन अंक की संख्या अपने को देगा, तो जैसे मतलब मान लो आपके पास दे दिया 26, जैसे क्या दिया 26, क्योंकि यहां माइनस की संख्या अभी हमने नहीं करनी है, वो आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, तो 26 में अंक 6 का एक न्यूनेन पूर्वेण करें, तो अंक 6 का करना है, तो 6 से क्योंकि पूर्वेण करना है, तो जो अंक दिया है 6 उससे पहले के ऊपर हम एक न्यूनेन का निशान लगा देंगे, जैसे क्या गया 2 से, सॉरी 6 से पहले क्या है 2 है,
और दो के नीचे हमने एक न्यून न्यून यहाँ पे न्यून का जो निशान लगेगा वो नीचे लगेगा, तो एक बिंदु लगा दिया। तो दो से एक कम करना है आपने, और दो से एक कम कितना हो गया एक और छ, तो 26 में हम 6 का एक यूनिट दूरी कितना हो जाएगा 16। तो ये आप जो टॉपिक है चार, ये आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं कि एक यूनिट दूरी क्या है, एकाधिकेंद्र क्या है। अब अपना जो कक्षा 6 के अंदर जो प्रश्न नंबर 7 है उसके अंदर जो 7.1 जो प्रश्न नंबर दी गई है वो दी गई है योग करना है। क्या करना है? योग करना है, और वो भी विधि दी गई है एकाधिकेंद्र पूर्वेण विधि से, जिसको हम अभी करेंगे कि एकाधिकेंद्र पूर्वेण विधि से हम योग है वो किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे अपनी जो 7.1 है वो ये है कि एकाधिकेंद्र पूर्वेण विधि से योग ज्ञात करें, से हमें क्या करना है योग करना है। तो कोई भी संख्या दे दी, जैसे मान लो आपके पास संख्या दे दी 78 26, हमें इसका क्या करना है योग ज्ञात करना है, विधि क्या करनी है एकाधिकेंद्र पूर्वेण। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले योग है वो इकाई से स्टार्ट करेंगे, योग कहां से स्टार्ट करेंगे इकाई से। अपने के पास पता है इकाई के अंक है 8 और 6, तो हमें इन दोनों को जोड़ना है। अब जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 हो गए 14। तो जैसे ही इन कोई भी संख्या का एकाधिकेंद्र पूर्वेण विधि से योग करते हैं और उनका जोड़ यदि 10 से बड़ा हो जाता है, जैसे दो दो जोड़ते जाएंगे और उनका जोड़ यदि 10 से बड़ा हो जाता है, तो जहां भी बड़ा हो जैसे 8 और 6 जोड़े तो 14 हो गया, तो यहां से इसका जो पूर्वेण है यानी इसका जो पूर्वेण है उसका कर देंगे हम एकाधिक, उसके ऊपर निशान लगा दिया एकाधिक का, और 10 का तो एकाधिक लग गया, बाकी कितना बचा 4, और वो हम लिख देंगे नीचे योग के रूप में। तो 8 और 6 के तो 14 हो गए, 14 के लिए हमने क्या किया क्योंकि 10 से ऊपर हो गया, तो इससे जो पहले वाला अंक है उसके ऊपर है यानी पूर्वेण जहां भी हुआ उसका जो पूर्वेण है उसके ऊपर एकाधिक का निशान लगा दिया, और उसके बाद बाकी जो बचे यानी 4 उसको हमने योग फल के रूप में लिख दिया। अब यहां इसको पढ़ेंगे तो दूसरी लाइन का जब हम योग करते हैं तो 7 और ये कितने 3 यानी 2, क्योंकि इसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये होंगे 7 और 3 यानी 10, यानी फिर वही बात आ गई 10 से अधिक तो 10 हो गया। तो 10 से होने पर इससे जो पहले वाला अंक है यानी कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 बन गई, तो इस 0 के ऊपर यानी इसका जो पूर्वेण है उसके ऊपर एकाधिक का निशान लगा लेंगे और बाकी क्या बचेगा अपने पास 0, और वो 0 हम यहाँ पे योग के रूप में लिख लेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ इसको कितना पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर दो की नहीं है, ये कितना होगा इसको हम पढ़ेंगे 1, क्योंकि 0 का एकाधिक है, 0 का एकाधिक 1 होता है, तो ये 1। अब इसका जोड़ कितना हो गया 78 और 26 का हमने जोड़ किया तो ये हो गया योग 104। ठीक है, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे अपने पास आ जाता है किलोग्राम और ग्राम वाले सवाल आते हैं या मीटर और सेंटीमीटर वाले सवाल आते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे अपने पास दिए होंगे इधर लिख दिया मीटर, इधर लिख दिया सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर के अंदर दे दिया 8 7 और सेंटीमीटर में हमने दे दिया 26 और 75, इनका हमें क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो वही बात, सबसे पहले हमने मैंने यही बताया स्टार्ट कहां से करना है इकाई की तरफ से, इकाई का अंक यहां पे क्या है 6 और 5, तो 6 और 5 को हम योग करेंगे तो 6 और 5 कितने हो गए 11, 10 से अधिक हो गया, तो जो इसका इसी को जोड़ा था बताया ना, तो इसका जो पूर्वेण अंक है उसका एकाधिक कर दिया और बाकी जो अंक बचा 1 वो हमने योग फल के रूप में लिख लिया। दूसरा क्या है 2 और ये कितना है 8,
क्योंकि एक आ दिन लग गया, तो दो और आठ, अब इसको दो और हम आठ को जो जोड़ते हैं तो वही आ गया दस, दस तो इससे पहले जो है धनुर्वेद हो गया पूर्वेण, तो पूर्वेण का एकाधिक कर दिया और योग हमने कर लिया जीरो, जो बाकी अंक जो आया था उसको हमने ले लिया जीरो। अब इन दोनों को जोड़ करना है, आठ और आठ, तो आठ और आठ हो गए सोलह, तो सोलह के अंदर वही दस से ज्यादा हो गया, तो इससे पहले जो अंक है यानी कुछ नहीं है तो जीरो, तो उसका हम एकाधिक लेंगे और यहां पे लिख देंगे बाकी जो अंक से यानी दस छह। अब जीरो है, अब जीरो का ऊपर क्या लगेगा एकाधिक, इसको क्या पढ़ेंगे एक, इसका जोड़ देगा एक, तो ये कितना हो गया सोलह मीटर और एक सेंटीमीटर, इनका जोड़ हो गया सोलह मीटर और एक सेंटीमीटर। तो ये सिंपल सी है, इसके अलावा हम एक तीन अंकों का संख्या का और योग कर लेते हैं जो पर्सनालिटी के अंदर इसमें नहीं है लेकिन हम अपने जैसे देख लेते हैं, जैसे सात तीन दो चार तीन छ तीन पांच और चार, इन संख्याओं का हमें जोड़ करना है। अब इसमें देखो अपने को क्या करना है, वही बात है हमें स्टार्ट कहां से करना है, इकाई की तरफ से स्टार्ट करना है, तो इकाई में क्या है दो और छह कितने हो गए आठ, अभी दस से ऊपर नहीं हुए, आठ और चार बारह यहां हुए, तो अपने को क्या करना है यहां पे बारह, देखो दो प्लस छह यानी आठ, अब आठ में चार लगा दूंगा बारह, तो बारह में यानी इसका दस से बड़ा हो गया, पूर्वेण का एकाधिक करना है, एकाधिक कर दिया, बाकी क्या बचा दो को हमें योग के रूप में लिखना है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा समझाने के लिए संख्या को बदल लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आठ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया तीन और आठ इनको जोड़ा है, तो तीन प्लस आठ हो गए ग्यारह, दस से बड़ी होगी संख्या, दस या दस से बड़ी, तो इसका पूर्वेण का हम क्या कर देंगे एकाधिक, यहीं बड़ी होगी है तो अपने को क्या करना है चार के ऊपर एकाधिक का निशान है लगाना है। अब अपने पास यहां कितने बचे एक, अब इस एक को अगले वाली संख्या में जोड़ना है, तो एक ये कितना है छह नहीं कि पांच, क्योंकि एकाधिक का निशान लगा हुआ है, तो इसके ऊपर एकाधिक लगा हुआ है, तो छह ऊपर यहां कितना बचा था एक सात, दस से बड़ी नहीं हुई। अब हम इस देखेंगे अगली संख्या में, तो सात और पांच, सात और पांच बारह, बारह में वही दस से बड़ी होगी, अब अपने को क्या करना है इससे पहले कोई संख्या नहीं है तो हमें जीरो ले लेनी है और उसका क्या कर दिया एकाधिक कर दिया। अब कितना बचा यहां पे दो, क्योंकि हमने आगे वाली संख्या का एकाधिक कर दिया, दो को तीन में जोड़ेंगे तो तीन और दो पांच, ठीक है। अब उसके बाद जीरो का एकाधिक किया एक, तो इस संख्या का जो वेदिक विधि है, वेदिक विधि है और वो भी कौन सी एकाधिक पूर्वेण, उस हिसाब से इसका योग इस तरह से होगा। तो ये आपके जो प्रश्न वाली सात पॉइंट एक है वो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, अब इसको आपको घर पे करना है। अब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो अगर समझ में नहीं आए तो, और उसके बाद अब आपको कुछ सवाल में दो या तीन सवाल आपको घर से करने हैं जो आपको कॉपी में नोट करने हैं, जैसे विद्यालय खुलता है तो मैं कॉपी जांच भी करूंगा, तो इसके लिए आपको अलग से नोटबुक निकाल लो आप और उसको नोट कर लो कि कौन से सवाल आपको करने हैं। जैसे आपको क्या करना है एकाधिक पूर्वेण विधि से योग करना है, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए नंबर एक क्वेश्चन है, आप क्या करोगे पैंसठ में छिहत्तर का योग हो नंबर एक। उसके बाद दूसरा सवाल है वो आप करोगे तीन अंक दे देते हैं एक
6, 7, 3 एक इसका योग करना है, ठीक है। तो आपके लिए ये दो ही सवाल रहेंगे, आप ये दो है वो कृपया नोट कर लेंगे। धन्यवाद। अगले कल हम फिर अगले वीडियो के अंदर पार्ट दो के अंदर देखेंगे 7.2 जो एक महीने में।